हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ, उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। और उनका नाम है पूजा गर्ग, जो हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करती है। और अब तक पूजा ने 6 लाख प्लस का बिजनेस किया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। और इनकी एज है सिर्फ 24 ईयर। सो हाय पूजा, कैसे हो आप? हेलो मैम, ठीक हूँ मैम, आप बताओ। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। ओके, आप तो पूजा, आप अपने बारे में बताइए पहले कि आप पहले क्या करते थे, कैसे यहाँ पे इस मैम, बिजनेस में आए? जब मैं 8th क्लास में थी तब मैं बीमार हो गई थी स्कूल में ही। मतलब मैंने 8th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। 6 साल तक मैंने कोशिश भी करी थी, मैं डिप्रेशन बोला गया था तो कोई बोलते थे भूत है, प्रेत है, वो है। तो डिप्रेशन की बीमारी समझ तो आती नहीं, और हमारे यहाँ ये था कि डिप्रेशन ना बीमारी नहीं होती, दिमाग का खेल होता है। तो लोग डिप्रेशन को जानते ही नहीं थे हमारे यहाँ कि वो भी कोई बीमारी होती है। जो डिप्रेशन में होता था उनको बोलते थे भूत प्रेत है, आप पंडितों के पास जाओ, ये जाओ, लड़की वो हो रही है, ये हो रही है, इसकी शादी करा दो तो ये सही हो जाएगी। तो उनको जब हम डॉक्टर पे जाते, जैसे फीवर वाले पे, सब पे चले जाते हैं बीमारी को लेके, पर डिप्रेशन की बीमारी को लेकर डॉक्टर पे नहीं जाया जाता था यहाँ पे। तो सोचते थे कि पागल नहीं है मेरी लड़की, पागल नहीं है मेरी लड़की करते थे। तो इसलिए ना अब भी है, पर ये कम हो चुका है। अब तो हमारे यहाँ पर जाते हैं मोस्टली जो प्रॉब्लम होते हैं डिप्रेशन की। तो पहले मैं घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, हमारे ज्वाइंट मम्मी पापा रहते नहीं थे तो हम चाची चाचा के साथ रहते थे। तो मोस्टली मेरा पास तो अच्छा है ही नहीं बचपन से। मतलब यहाँ का क्या था ना मैम, लड़के छेड़ते थे तो हम स्कूल जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। और यहाँ पे क्या होता था ना, पेरेंट्स हमें ही सुनाते थे अगर लड़का छेड़ रहा तो लड़के की गलती नहीं, लड़के की है, लड़की की है, और उसको घर में बंद कर दिया जाता था ना, ग्रिल से बाहर जाना। तो हमारी भी ऐसी थी। और यहाँ पर सूट सलवार पहनना कुछ अलाउड नहीं था हमें, तो ऐसे घुट घुट के रहना, बस स्कूल जाना। वहां पे भी देखते थे कि स्कूल ही जा रहे हैं, कहीं और तो नहीं जा रहे, पूरी वो रहती थी पाबंदी हमारे यहाँ पर। तो ये मन में आकर ना घुट गया अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो जब मैं स्कूल जा रही थी ना तो स्कूल में ही मैं बीमार हो चुकी थी। कहते कि 8 साल का जब अंदर भरा रहता है तो कहीं ना कहीं तो निकलता है। तो ऐसे ही मेरे वो दिमाग पे निकला और मैं बीमार पड़ गई स्कूल में। उसके बाद डॉक्टर पे ले गए, उसके बाद मैं ठीक ही नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे अंदर जो बातें थी ना मैं अपने पेरेंट्स को बता पाती थी, क्योंकि वो कभी नहीं समझते थे, गांव की सोच रखते थे ना। मैं अपनी चाची चाचा को बता पाई तो वो अंदर अंदर रह रह के रो रो कर ही सर मैंने काट दिए थे 6 साल तो कम से कम। तो ऐसे ना पढ़ाई पे, पढ़ाई में अच्छे थे, पर कहते हैं जब दिमाग काम नहीं करता तो पढ़ाई का भी मन नहीं करता, ऐसा ही हाल था। तो ऐसे ही फिर हम इसलिए डरते थे क्योंकि अगर किसी लड़के ने हमें छेड़ दिया तो पापा को पता लग गया तो वो हमें ही मारेंगे। इस चक्कर में हम बताते ही नहीं थे घर में बहुत सारी बातें कि हमें इस लड़के ने छेड़ा या वो करा। तो इस चक्कर में हम अंदर ही अंदर घुटती रही। तो मैं डिप्रेशन में आ गई थी 2012 में, जब मैं 8th क्लास में थी मैम। और बहुत 8th क्लास लंबी एज कम 8th क्लास में ही मैम मैंने मतलब खत्म हुई थी, 9th में चढ़ी थी। फिर क्या हुआ हमारे यहाँ था कि पढ़ो, कुछ बन लोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। तो हमें ये था मैं शादी नहीं करानी अपनी छोटी सी उम्र में, कुछ बनना है, पढ़ना है। तो ये था हमारी लाइफ का। बट ये था कि मैं बीमार हो गई तो सब कहने लगे तो इसकी शादी करा दो, ये ठीक तो होगी भी नहीं, शादी के बाद ही ठीक हो जाएगी। तो मुझे शादी से इतनी नफरत होने लगी कि अब मुझ में भी समझ भी नहीं, और मुझे अपनी होश नहीं होती, बेहोश रहती थी, 4 4 दिन होश नहीं रहते, बिना कपड़ों पे डोलती थी मैम मैं, और बाथरूम में बैठी बेहोश हो जाती थी। मम्मी ताले कुंदिया निकाल दी थी घर से, फांसी लगा ली थी मैम 4 5 बार। तो मैंने ओ गॉड, तो मैम याद नहीं रहता था, जब हाथ पैरों पे खरोंच लगती थी या फिर बहुत बुरी हालत होती थी, जब वो जाता था, जब दर्द होता था पूरी बॉडी में। मेरी बहन में कुछ 100 से ऊपर वेट था, तब वो बैठती थी ना तब भी मैं उसको फेंक देती थी। तो सब कहते थे कि तेरे अंदर भूत का है वो है। बहुत साल झेला, फिर मैंने सोचा पढ़ाई करती हूँ तो मैंने स्टार्टिंग से 9th करी, बट 9th में भी नहीं जा पाई। फिर दोबारा 10th करी, 10th में भी नहीं। फिर मैंने 6 साल का गैप ही कर दिया था 2014 में, तो गैप कर दिया। तो 6 साल मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ डॉक्टर एडमिट होना और घर, यही रह गई थी मेरी जिंदगी। तो मैं घुटने लगी थी मैम और भी ज्यादा, क्योंकि पेरेंट्स को बता नहीं सकती थी, क्योंकि पेरेंट्स बोलते कि तेरी गलती होगी, तू लड़के को कर रही होगी ऐसा, तो इस वजह से तुम ही कपड़ा ऐसे पहनते हो, सूट सलवार में भी लोग ऐसे जज करते थे।
तो फिर ना अंदर ही अंदर घुटना बहुत ज्यादा हो जाता है कि लड़कियां आजकल बता नहीं पाती। ये स्थिति मेरी जो मैं बता नहीं पाई। तो जब मैं एडमिट रही एम्स में, तो मैं इतने साल डोलती रही, कहीं पर ठीक नहीं हुई, एम्स में गई थी, वहां मेरी अंदर से सारी भड़ास निकाली गई। जब मैं पूरी निकाली गई, जब पेरेंट्स को पता लगा कि ये मेरे साथ 8-10 सालों से हुआ और 15 साल बीत गए जब मैंने उनको नहीं बताया, तो अंदर ही अंदर कहते ना कि घुटने लगे। तो मेरे पेरेंट्स चेंज हुए, तो मेरे पेरेंट्स को आया कि नहीं अपनी बेटियों को आगे निकालना है, खुल के जीना है, उनको सब चीज मौज देनी है। तो अब हम जींस टॉप पहनते हैं, सब पहनते हैं, अब लड़कियां छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो दौर ऐसा था ना कि उसमें लड़कों की ज्यादा चलती थी। हमारे यहाँ लड़कियों को कैद की तरह रखा जाता था, घर से ग्रिल पर भी खड़े हो गए ना तो कहते थे कि लड़के छेड़ जाएंगे तुम अंदर जाओ, देखो, तो लड़कों को टोकन। ये बात तो बहुत अच्छी है कि पहले मम्मी पापा अलग सोच रखते थे, अब बहुत ही चेंज हो गए हैं। सो गए मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी बहुत ही अलग और डिफरेंट रही है, ठीक है? सो आप ज्वेलरी के बारे में आपने कैसे सोचा? मैम, स्टार्टिंग से ना मुझे फैशन डिजाइनिंग बनना था, मुझे आर्ट में इंटरेस्ट था, शुरू से ही मैं एक्टिविटीज करती रहती थी। बट ये था, मेरे पेरेंट्स को आर्ट होती क्या है, क्या होता है, बीकॉम करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्मी में जाओ, ये चीज हमारे यहाँ ना होती है, हमारे यहाँ हर लड़की को यही कहा जाता है, आर्ट क्या होती है, कुछ नहीं है इसमें करियर, ये तो बेकार की चीजें हैं, इसमें जाओगे इससे अच्छा तो शादी करके घर का संभालो, ये बोलते थे। तो हमें आता था गुस्सा कि नहीं, आर्ट भी एक चीज होती है, उसमें भी एक कला है और वो भी एक बिजनेस है और उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। तो मैम, मैं जब 2019 में एडमिट होके आई थी, 1.5 महीना में एडमिट रही थी, कैदों की तरह बांध के रखते थे मुझे, क्योंकि होश नहीं रहता था वहां, तो एक ने फांसी भी खा ली थी, ऐसे पागल पागल लोग रहते थे। तो मैंने जो अपना 10 साल 6-7 साल काटे थे ना बीमारी में और हॉस्पिटल से गए, तो उसमें ना मेरा इतना अंदर सा होता है, अब तो लगता था कुछ बनना है। लोग कहते थे शादी कर दे, पापा से सही हो जाएगी लड़की, बहुतों की यहाँ शादी भी कर दी थी, अब भी वो डिप्रेशन से गुजर रही है। ये लगाओ, मैं खुद से लड़ी, मैंने पापा मैं मर जाऊंगी बट शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे देखती थी, फोन भी अलाउड नहीं था हमें पहले, तो फोन भी मुझे जब 2020 में ही मिला, तो मैंने जब तो पहले मैं फोन भी अलाउड नहीं होता था, बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, तो डिप्रेशन में तो होना ही था मैम, जब अंदर अंदर बहुत सारी बातें घुट जाए और कोई बताने वाले, किसी को बता भी नहीं सकते ना, हमारी कोई फ्रेंड थी, अलाउड नहीं था फ्रेंड से मिलना भी, तो ये था हमारे साथ। तो अब 2020 में जब मैं एडमिट होके आई थी, तो मुझे ये था कि कुछ बनना है, अब कुछ करना है, अब तो तू सही हो ना हो पर अब तुझे सही होना है, क्योंकि इतने 2012 से 2019 तक मैंने अपनी जिंदगी काटी बीमारी में, अब नहीं काटनी, अब मुझे अपना करियर बनाना है, तो पढ़ाई भी पूरी करनी है। तो 10वीं भी नहीं हुई थी मैम मेरी, तो 2020 में ही मैंने 10वीं करी है। 2000 आपका मुझे मैम यूट्यूब पर चैनल दिखा, तब मैंने आपको ज्वाइन कर लिया था, मम्मी से लड़कर नहीं मुझे आर्ट में कुछ भी सीखूं, पर सीखना है आर्ट का ही, फैशन में, ज्वेलरी में, या कुछ भी होता था ना, टूटी हुई ज्वेलरी होती थी तो मुझ पर कुछ रहता नहीं था ना पता था, बट मुझे करना होता था एक्टिविटी में, या बहनों की ड्राइंग होती थी उसमें, तो पेरेंट्स को होता था क्या लगती है तू फालतू के कामों में, इससे अच्छा तो घर के काम सीख, शादी कर। मैं इतना हो गई थी ना शादी 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 सुनकर, अब तो इतनी फ्रस्ट्रेट होती हूँ कि शादी नहीं, हाथ जोड़ो अपने करियर को करने दो। तो ये होता है, तो बचपन से यहाँ बस एक ही सपना दिखाया जाता है कि शादी कर लो, घर संभालना है। तो मुझे ये नहीं बनना था किसी के, क्योंकि लड़कों का अपना चलता है, क्या करेगी, पैसा तो दे रहा हूँ ना, रख ले, मतलब भीख सी नहीं मांगनी थी मुझे किसी से पैसों की, ना पापा से ना किसी और से। तो ये था कि खुद के बलबूते पे कुछ करना है मुझे अपनी लाइफ में, सच्ची मतलब ऐसा था कि जब किसी से पैसा मांगो ना, कितने पैसे मांगती है, रोज ही तेरे पैसे खत्म नहीं होते, जब सुनते थे ना तो रोना आता था मैम। अब तो पता है बोलने में आसान लगता है, पर जब होता है ना ये अंदर की फीलिंग, वो बहुत बुरी होती है मैम, कि रोज रोज ऐसे बोलना, हम एक एक चीज के लिए तड़पते थे, टॉफी लेने के लिए भी ऐसे मांगना पड़ता था ना, तो ऐसे भी लगता था कि तो कुछ नहीं कर सकती क्या लाइफ में। तो तो अब आप ये इंडिपेंडेंट बन चुके हो, तो अभी तो आपको बहुत लाइफ आसान लग रही होगी। तो आपने 2020 में कोर्स हमारा ज्वाइन किया था ना? यस मैम, मैंने आपको जुलाई में हुआ था मैम, मैंने अगस्त के एंड में कर लिया था ज्वाइन। और तो आपने कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, क्या फर्क आया?
मैम पहले तो मैं बहुत डरी डरी रहती थी। स्टार्टिंग ही सब कुछ ऐसा था कि डरी डरी लोगों से बात नहीं करती थी। तो इस ज्वेलरी के जब मैंने सोचा ना कि इसको स्टार्ट करते हो बिजनेस को, मुझे नहीं पता था मैम मैं इतना भी अर्न कर पाऊंगी, इतना भी मैंने कि थोड़ा सही पर खुद का तो करूंगी कुछ, तो उससे ही थोड़ा बहुत पैसा लिए, थोड़ा मम्मी ने दिया। मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है हमें हर चीज में कि नहीं कुछ छोटा बड़ा काम नहीं होता, तुम करो। तो मम्मी ने सपोर्ट करा, थोड़ा पैसा दिया। तो आपकी जब आपकी किट आई, उसी किट से मैंने स्टार्ट करा था। जब मैंने 1500 कुछ कमाए थे उसी किट से, सिर्फ सोसाइटी में जाकर कि मैं ये ज्वेलरी बनाती हूँ आप देखो, और उन्होंने साथ के साथ वो ज्वेलरी का सारा सामान खरीद भी लिया था अलग अलग लोगों ने। वाह तो वही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। पहले तो मैं हिचक रही थी, लोगों को बताऊं कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे और लेंगे भी नहीं लेंगे। पहले मैं हिचकती थी। जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट करा ना कि यू टिकटॉक मतलब टेलीग्राम पर आप वीडियो बना बना के भेजो, जब मेरी अंदर से सारी बाहर निकलती थी, जब हर हफ्ते आप देते थे कि वीडियो बनाओ, पहले टेक लेती थी बहुत सारे टेक लिए, पर अब नहीं, अब तो मैं एक ही बारी में बना देती। तो पहले मैं बहुत डरती थी। हाँ, क्योंकि हम लोग पहले टास्क रखते थे कि आपको हर हाँ, वीक में एक डेली टास्क हफ्ते दिया जाता था कि में आपको वीडियो बनाना है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो टास्क के मैं कारण आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो कैमरा के सामने, बहुत अच्छी बात पहले तो मैं इतनी हिचकती थी, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाती थी अपने दिल की बात। पहले मैं अपनी बहन को बोलती थी, भाई को, फिर भाई मम्मी को बोलते थे, फिर चाची को, चाचा, तब पापा तक जाती थी। अब तो मैं अपने पापा को डायरेक्ट बोल देती हूँ। तो है। मेरा पहले लाइफ में तो इतनी बहुत ही ज्यादा चेंज आया है सच में। आप ऐसे मेरी एक ऐसी स्टूडेंट हो जिनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और जब मैम मेरे साथ मतलब लड़कों ने छेड़छाड़ी करी, एक नहीं थे बहुत थे, तब तो बिल्कुल ही टूट गई थी। और जब पेरेंट्स बोलते थे तेरी गलती होगी, तो ना अंदर ऐसा टूटता था ना मन, जैसे कुछ भी काम कर रहे हो ना, जैसे हमारे मतलब रेंट पे रहते थे तो वहां के भी अच्छे नहीं थे लड़के। तो पहले लड़कों को फ्रीडम बहुत थी, अब तो बहुत हो चुका है कि चेंज हो गया हरियाणा, बट पहले हरियाणा ऐसा नहीं था। सच्ची बोलो पहले तो दम घुटता था लड़कियों का यहाँ हरियाणा में ही, बट अब तो लड़कियां ही हिम्मत वाली बन गई इतनी कि पता भी यहाँ तो होना ही है जितने लोग हैं यहाँ पे। ये सभी पूरा देश ही बदल रहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने अपनी स्टडी भी कंप्लीट करी, मतलब यस मैम, 2020 में आप 2020 में ही मेरी नई शुरुआत हुई थी मैम। मैंने कंप्यूटर भी सीख लिया था, फैशन डिजाइनिंग, पार्लर भी मैं बहुत काम करती थी, 10th के फॉर्म भी भर दिए, 10th की पढ़ाई कर दी थी। 2021 में मैंने 12th का भी कर लिया कंप्लीट, मेरी 12th भी हो गई, फैशन डिजाइनिंग भी कर लिया, कॉलेज जाकर अप डाउन करती थी रोज, बिजनेस को भी रेगुलरली रखा है, ऐसा नहीं बिजनेस को उससे भी मैंने अर्न करा, इसी से अर्न करके मैं अपनी अब इच्छाएं जितनी भी है ना मेरी वो पूरी तो कर पाती हूँ। आपका बोल सकते हैं कि 2020 के बाद आपकी पूरी लाइफ बहुत ही यू नो हाँ, अच्छी वाली हो गई। तो अभी चेंज तो हो गया। आपने अब तक आपने 6 लाख से ज्यादा अर्न किया है, ठीक है? तो अब आपके फैमिली वालों आपको किस तरह से देखते हैं, मतलब उनको बहुत मैम अच्छा फील जब मेरे होगा? पापा कोई पूछता है ना आप क्या करते हो, तो मैं बोलती हूँ मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, मेरे ज्वेलरी का बिजनेस है। तो मैं बोलती हूँ ना खुद से बनाती हूँ, आप खुद से बनाते हो, क्योंकि पूरे पलवल में मैम मेरे अलावा कोई नहीं बनाता। तो ये होता है कि पलवल में मैं अलग से एक लड़की होकर खुद से ज्वेलरी बनाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है सदर से लाते और बेचते हैं, पर कोई खुद से नहीं बनाता, सोने का ही मिलता है। तो मेरा ऐसा काम है अलग से कि मैं खुद से आर्टिफिशियल बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये होता है कि तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हो, कैसे बनाते हो? तो आज मेरे पापा बोलते ना मेरी बेटी ये करती है, तो कहते भजल्ला तेरी बेटी तो इतना करती है, अलग करती है। तो मेरे पापा को खुशी होती है कि हाँ मेरे पापा कुछ करती है मेरी बेटी। तो अब ये होता है कि तू कुछ भी कर कर, अब तो कहते हैं आर्ट में तुझे और कुछ करना है, फिर और भी तुझे बड़े बड़े कॉलेज में जाना है तो बता, फैशन में ज्वेलरी में तो मैं कराता हूँ। अब ये नहीं कहते कि तू बनी नहीं आईपीएस, डॉक्टर नहीं बनी है, वो नहीं बनी, अब इसमें नहीं करते। बहुत ही अच्छी बात है सच में। मुझे आपकी स्टोरी जान के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और डेफिनेटली जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी बहुत मजा आया होगा और डेफिनेटली इंस्पायर भी होंगे आपसे। आपके पास आपका कलेक्शन है अभी? मैम है बहुत सारा है मैम, मेरा क्या होता है अब तो जैसे मैं बनाती हूँ ना डालती हूँ, साथ के साथ चला जाता है, बस उसकी हेलो फोटो जाता रहती है उस पे ही लोग खरीदते हैं। और मोस्टली स्टेटस से हर रोज आ जाते हैं मुझ पे, 5-10 ऑर्डर रोज आते ही आते हैं है, स्टेटस से ऑनली। बहुत ही अच्छी बात है। तो प्लीज आप अपनी ज्वेलरी दिखाइए सबको।
मैम कुंदन और ऑक्सीडाइज ही करती हूँ मैं मोस्टली, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्यादा लड़कियां पहनती हैं, हाँ और हाँ कुंदन की लेडीज। नाइस। सो ये नेकलेस आप प्रॉपरली दिखाइए, क्योंकि प्रॉपरली नहीं दिखा। ये चौकर है, आपने खुद बनाया यस है। यस नाइस, बहुत ही अच्छा और प्यारा डिजाइन है। वाह, और मैम मैंने ये कहीं से नहीं सीखा, आपकी वीडियो से ही कुंदन बनाना सीखा है। रियली बोलूँ तो मैंने कहीं कोर्स भी नहीं लिया ऐसा इसका, जो भी सीखा हाँ मैंने सिर्फ आपकी वीडियो से ही सीखा ये बनाना। हाँ तो आपको कोर्स में, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया था हमारा कोर्स उस टाइम पे, तो मैं लाइव क्लासेस नहीं लेती थी, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे। अब तो हालांकि हम लोग लाइव क्लासेस भी लेते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के सब कुछ आपने सीखा है, ठीक है, हमारा कोर्स ज्वाइन करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, और तो मैम आपके हुआ यूट्यूब से नहीं जितनी हुआ। आप वीडियो डालते थे कुंदन हाँ वगैरह में, तो उसका आइडिया लेके मैं सीखती थी हमेशा से ही। और मैम जो आप वेबिनार में बताते थे उससे मैंने अपना बिजनेस ग्रो करा। मैम मैंने बहुत सारे कोर्स भी लिए हैं ऐसा नहीं, बट हाँ आप जितना सपोर्ट करते हो ना, जितना रखते हो ख्याल कि आगे बढ़ने के लिए हर पॉइंट पर रख हो आप, ऐसा लगता है तो हमें हिम्मत होती है, इसलिए हम इतना ग्रो कर पाई हूँ मैं तो खुद। और ऐसे मैंने कोर्स लिए, वो क्या करते कोर्स सिखाते बट कुछ वो नहीं करते इम्प्रूव, कि हाँ कोर्स सिखा के चले गए, फिर उनको कोई याद ही नहीं कि आपको कोई स्टूडेंट भी है। तो हाँ, ये नहीं है आपके साथ, तो इसलिए हम इतना ग्रो कर पाए और इतने नए नए डिजाइन कर पाए मैं क्रिएटिव। तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आप ऐसा है हमारे पास, है हमारी मैम सर है हमारे पास जो हमारा हेल्प करेगा, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और ग्रुप में स्टूडेंट होते ना तो मैम वो ज्यादा हेल्प कर पाते, तो हम इतने सारे मेरे फ्रेंड बने। पहले तो मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था क्योंकि बीमारी में सब छूट गए थे, मैं अकेली रहती थी। तो ऐसे दोस्त भी बने, ऐसे खास भी दोस्त बने जिनसे मैं हर दिन बात भी करती हूँ। नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हो कि क्या करना चाहिए, कैसे? मैं तो सबको बोलती हूँ अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि तुम्हारा आज ही बिजनेस चले, ऐसा नहीं है मेरा चलता है हर दिन बिकता नहीं। मैम ऐसा वक्त भी आया था जिस दिन मेरे 3-4 महीने बीत गए थे और कुछ भी सेल नहीं हुआ था, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मटेरियल भी मंगाया जो मैंने सेविंग करी बिका, उससे और मटेरियल मंगाया, उससे और नए डिजाइन क्रिएट करे, और मैंने मेहनत करी, नई नई चीजें सीखी। मैं भी नहीं थी जो मैंने सीखा था कुछ सही, तो मैं तभी हुई थी। और जब ही मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो नया नया तभी सीखती स्टार्ट करा था कि आज मेरा बिजनेस ही चल रहा क्या नया करूं, तो मैं आपके देखती थी वीडियोज या और कोई इंस्टा पर, मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत हार जाओगे ना तो बिजनेस नहीं चलेगा। मेरा एरिया भी ऐसा नहीं था जो ले पाए, बट आज वो एरिया ऐसा है जो ले भी ले रहा है स्टेटस से ले कर। वो थे जो जाकर पर देखते थे ज्वेलरी अच्छी है नहीं है, आज ये होता है कि फोटो देखकर लोग ले लेते हैं मेरे पे विश्वास करके, मेरे कस्टमर कहीं नहीं जाते। तो अब ये मत हिम्मत हारो कि नहीं हो पाएगा बिजनेस, हर बिजनेस होता है। ज्वेलरी का तो बहुत इजी बिजनेस है, बल्कि मैं तो खुद ही कहती हूँ वो ऐसा बिजनेस है जो तुम कभी भी घर बैठे इजिली कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बट अगर तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर सकती हूँ, बस ज्यादा पैसे नहीं लगा रहे। मैंने भी 5,000 से स्टार्टिंग करी थी छोटा बेसिक लेकर, और आज मैंने 3-4 लाख का अपना मेटेरियल ले रखा है, खरीद रखा है। तो ये कि धीरे 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 इन्वेस्ट करा, ऐसे नहीं मैंने लाखों रुपए एक संग खर्च करे। मैंने 10,000 कमाया तो उसका 8,000 मैंने मेटेरियल में लगाया है हर महीने। तो ये एक था कि मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा ही सही, पेरेंट्स से नहीं लिया थोड़ा, कब स्टार्टिंग में लिया था मम्मी से, बट ये था कि मुझे अब करना है। तो मैंने मैम का जो कोर्स लिया था अभी डायमंड, वो भी खुद से ही लिया था। तो ये है मेरा कि अब मुझे आगे तक ऐसे बढ़ना है कि इस बिजनेस में कि कहीं कि हाँ पूजा क्रिएशन कोई है लड़की जिस ज्वेलरी बनाती है, तो आप हिम्मत मत डेफिनेटली हारो और मैम पे भरोसा करके चलो। रियली बोलूंगी कि आगे तक आप जरूर जा पाओगे, जब मैं जा चुकी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो क्या आप नहीं जा पाओगे? तो मैम की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, तो आप सब भी हो पाओगे। मैं तो विश्वास हमेशा मैम पे ही करती हूँ, मैंने इतने कोर्स लिए बट मुझे कहीं इतना अच्छा नहीं लगा जितना मैम के यहाँ पे आके लगा। थैंक तो यू आज भी सो मैं मच सबकी पूजा। हाँ कि कोर्स जरूर लो हाँ, पर अपने आप पर भरोसा रख के, क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। बिलीव करोगे खुद पर, पॉजिटिव रहोगे तो आप जरूर कर पाओगे। जब मैंने कर दिखाया इतनी घबराई हुई लड़की पर इतना कुछ सह कर, तो आप नहीं कर नाइस, पाओगे क्या? या क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट रही है, और
उस जगह से यहाँ तक पहुंचना यही बड़ी बहुत बड़ी बात है। सो मैं तो मैडम, आपका लड़की को एग्जाम्पल, जमीन ना हो ना वहां से, लड़की इतना कमा पाए वो भी इजी नहीं होता। यस तो जो नॉर्मली मैं जो हर वीकली मैं लाइव मास्टर क्लास रखती हूँ, तो वो हर मास्टर क्लास में मैं आपका एग्जाम्पल सबको दिखाती हूँ, सबको मैं आपको आपके बारे में बताती हूँ। तो जो लोग मेरा मास्टर क्लास अटेंड करते हैं, जो कर रहे हैं और इन फ्यूचर करने वाले हैं, तो इनका वीडियो आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। मतलब फोटो मैं आपका दिखाती हूँ और आपके बारे में बताती हूँ। सो सच में आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद आपने टॉप 3 चीजें क्या सीखी? मैम, कैसे अपने ऊपर काम करना है, कैसे अपने आप को चेंज रखना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे इनको अपने बातों से ही कितने प्यार से उनको कनेक्ट रखना है अपने तक कस्टमर को। दूसरी कि पॉजिटिव रहकर अपना वर्क करते रहना है, सिर्फ पॉजिटिव रहो, नेगेटिव भी आए ना थॉट तो आप कुछ ऐसा करो जिससे आप पॉजिटिव ही रहो, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही आप अपना बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो। और नेगेटिव रहते हैं तो मैम वेबिनार लेती है ना उनसे, और पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है आराम से। तो पॉजिटिव रहो। और मैम ये कि हर चीज ना तुम्हें मिलती नहीं है, कमानी पड़ती है, तो अपने आप को विश्वास रख के कमाओ और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज तो इतना भी कमाना ना मेरे पॉसिबल था, ना मैंने कभी सोचा था। तो मैं 10 रुपए कमाए थे ना, जब भी मुझे ऐसा लगा था मैंने कितनी जन्नत कमा दी। तो तुम भी करोगे ना तो अलग ही फील आती है। मांगने से अच्छा है कि खुद कमा के 10 रुपया कमाना, तो जो खुशी है ना वो अलग होती है, जो मैंने मैम से सीखी और जो मैम ने हमें दी। तो आप प्लीज, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोर्स मुझे आज तक जिंदगी में नहीं मिला, कभी ना मिल सकता, ना मैंने इससे अच्छा काम अपने लाइफ में देखा। थैंक यू तो सो मच पूजा। और मैं सबसे ज्यादा तो आपकी मम्मी को रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी मम्मी का आपको सपोर्ट रहा, उन्हीं के कारण भी आप यहाँ पे बैठे हो। मैं तो रीजन हूँ ही आपकी लाइफ का, बट आपकी मम्मा जो है उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया होता तो आप यहाँ पे नहीं होती। तो आपको उन्होंने ही बोला, डेली उनको अप्रिशिएट करना ही चाहिए। मैं तो उनको, आपने बोला थैंक यू बोला करो गॉड और मम्मी को, मैं मम्मी को भी बोलती हूँ और गॉड को भी, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं था। उन सबने बोल दी थी क्या करेगी, 2000 का कोर्स लेके फालतू का होता है। इतनी लड़ी थी मैं, तो मेरी मम्मी कह रही चल मैं दिलाती हूँ तू ले, मैं करती हूँ। तो उन्होंने जब 2000 का वो कोर्स भी ना खुद से दिलाया, उन्होंने बोला नहीं ये करेगी मेरी लड़की, ये कुछ बनेगी, सब थे कि क्या करना है इनको, करके शादी करके। मेरी मम्मी कह रही नहीं अभी इसकी शादी नहीं करूंगी, अभी से कुछ बनाऊंगी। तो अब भी ये होता है, मैं 24 की भी हो गई ना तब भी ये कि अभी 2 साल तो हुए मुझे अपने काम को स्टार्ट करे, अभी तो मैंने जर्नी ही नहीं देखी अपनी लाइफ की, जो मैंने 15 साल कैद की तरह काटे हैं। क्या मैं अपने आप को 6 साल नहीं दे सकती, 7 साल नहीं दे सकती अपने काम के साथ, क्योंकि आसान नहीं होता मैम 15 साल घर में कैद की तरह रहना। कहते हैं कि बोलना आसान होता है, पर जिस जो झेलता है ना हर वक्त, उसको पता होता है कि कितना मुश्किल है झेलना। तो अब तो फ्रीडम हो चुकी है, बट इतनी भी अभी हमें फ्रीडम नहीं है। बट मेरी मम्मी नहीं, तुम जाओ तुम उड़ो हवा में, अब भी कहती लड़ती है, मम्मी पापा डांटते हैं इतना मत छूट छोड़ रखियो को, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं होगा ना, तुम डरो मत, तुम गलत नहीं तो करो। तो ये होता है मम्मी का सपोर्ट। तो जब मम्मी होती है ना तो हम बिना डरे सब काम करते हैं। मेरी मम्मी खुद मार्केटिंग करती रहती है, मेरी करती है, मेरी करती है ये लो मैं, और कुछ भी नहीं बनाएगा ना ऐसे मेरी बेटी बनाती है, जा जा लो जो अपनी सारी फ्रेंड को कहती है। वाह, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सबकी मम्मियां नॉर्मली ऐसी ही होती है, मेरी मम्मी भी सेम ऐसी ही है। या पूजा, आपसे मिलके सच में आज बहुत ही मजा आया, और मुझे भी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसी रही है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सच में बहुत ही मजा आया। आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे कितना गंदा पास्ट है, पर जब उसको सोचती हूँ ना काश वो नहीं होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, ये सोच के चलती हूँ। शायद वो वक्त ही था जब आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इतनी पॉजिटिविटी आई थी और इतनी पॉजिटिविटी हूँ, पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जितना मेरा वो था ना जर्नी, ऐसे हिसाब से तो मुझे शायद मर जाना भी ऐसा लगता था कि मर लो, क्योंकि जब भी मैंने फांसी लगाई थी, और एक बार तो मैं ग्रिल से कूद गई थी और बहुत चोट भी खाई है, ये भी
नहीं, खाई होश नहीं रहता था। जब जख्म होते थे ना शरीर पे, ऐसे लगता था इससे अच्छा मर जाओ। जब पापा मम्मी गोदी में उठा के मुझे वॉशरूम ले जाते थे, हालात बुरे थे, पैरों से चला नहीं जाता था, आवाज चले जानी थी मेरी, 6 से 7-7 दिन वॉइस नहीं आती थी दिमाग के। कहते दिमाग का कुछ, दिमाग सोचते नॉर्मल चीज होती है, जब हमने भुगता ना, दिमाग का खेल क्या होता है, पूरी बॉडी को ऐसे पैरालाइज सा कर देता है, ना होश होता है ना कुछ होता है। तो रियलाइज होता है कि जब दुख आते हैं तो सुख भी आता ही है। तो सही कहा था, सुख आया मेरी लाइफ में तो मुझे बस सुख के साथ चलना है। दुख भी आता है, पर अब मैं ऐसे पॉजिटिव लेती हूँ कि बीमार भी नहीं पड़ती, मोस्टली पड़ती हूँ। डॉक्टर भी कहता है तू काम कर, अच्छा कर रही है। जब पहले डॉक्टर पूछते थे ना तू करती क्या है, मैं जब कह नहीं पा रही थी मैं करती क्या हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। पढ़ाई छूट गई, 8 ही तक पढ़ाई करके, 9वीं नीट नीट होती है, जब 10वीं 12वीं करना होता है तो ये होता है 10वीं भी नहीं करी, 12वीं भी नहीं करी, क्या ही कर लिया। तो अब मैं कहती हूँ मैंने ये करा, अच्छी बात है आप ग्रो हो रहे हो। पहले तो मैं बहुत, मैं मोटी भी हो गई थी, 80 किलो वेट हो गया था दवाइयों से, बस सोना ही सोना, दवाई नशे की दवाई होती थी तो सोती रहती थी। 15 साल, 8 साल तो मैंने मैम दवाई दवाई पे जी थी। तो ये था कि जब इतनी जर्नी मैंने देखी तो अब तो मुझे और कुछ अलग देखना है। तो इस वजह से मैंने ज्वाइन करा था, मुझे नहीं पता था ये मेरा रास्ता बनेगा जीने का या कुछ बनने का, बट जब बना है तो अब इसी पर ही हूं। मैं कुछ भी सीख लूंगी बट मेरा ज्वेलरी का बिजनेस कभी बंद नहीं करूंगी। जितने भी मैम स्टूडेंट पूछते ना नेगेटिव होते, मैं यही बोलती हूँ आप टेंशन मत लो, हिम्मत रखो और करो। तुम जब तक ट्राई नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं हो पाएगा आपका, और ट्राई करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। तो मैंने ट्राई करा, आज मैं यहाँ पर पहुंची, तो शायद आप भी पहुंच जाओ। बस विश्वास रखो, मैं भी तो लड़कर पहुंची यहाँ तक। या तो ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस एक मैजिक वाला बिजनेस है जो हर कोई ज्वेलरी पहनता है। इंडिया में इतने ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, पर मैम कभी नहीं जा फंक्शंस होते सकता वो हैं। ज्वेलरी का बिजनेस। या ओके सो या तो ज्वेलरी मेकिंग आपको करना चाहिए क्योंकि सब लोग ज्वेलरी पहनते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ज्वेलरी की डिमांड डे बाय डे बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वेलरी बिजनेस करिए और इंडिपेंडेंट बनिए। जैसे पूजा अगर इंडिपेंडेंट बनी है, कॉन्फिडेंट पाया है, सो आप भी सब कुछ अचीव कर सकते हो। जैसे घर बैठे बैठे पूजा ने 6 लाख प्लस अर्न किया है, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच पूजा। ओके सो एवरीवन, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।